होली के मजे ले रहे थे और देखो एकदम से कैसा मौसम बदल चुका है। पहले यहाँ पे खूब बारिश हुई और अभी आप देख सकते हैं देखो बहुत ओलावृष्टि हो रही है। देखो एकदम मौसम कैसा हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं देखो कैसी जो है ओलावृष्टि हुई है एकदम। जो है इस टाइम पे लोग जो है नए नए घरों में खेती करते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, सब बर्बाद कर दिया है ओलावृष्टि ने। लिटरली मैंने भी ना ऐसी वाली नहीं देखी कभी भी। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कोनी पाठक। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा हो, कल हम आए थे होली मैकल के ब्लॉग में और अचानक ओले पड़ने लगे और मंजर कुछ ऐसा है। शाम के 5:30 बज रहे हैं, ये आपको बर्फ लग रही होगी बट ये ओले हैं लिटरली। तो अभी हम घर जा रहे हैं। भाई साहब हमारे यहाँ पे भाभी हैं और वो बिगाने आया था, रंगला लगाने आया था। भाभी से एक्टिंग कि उनका सर दर्द हो रहा है, सो दैट वो ना बिगाड़े। तो होली में क्या कारण भाई पे वीडियो बनाऊं भाई? भो उन तो मैं घरों में टिक चुका है, भो मिल लो। हाँ भो पक्का। देखिए इतने ओले लिटरली इतने। देखिए खेतों का क्या हाल हो गया, यहाँ का क्या हाल हो गया है, मतलब वन क्या ही हो गया। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ी सी बारिश शुरू हुई थी। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा, ये देखिए इसके पत्ते पूरे गिर गए हैं। ये माल्टा का या नींबू का पेड़ आई गैस, और पत्तों में देखिए कैसे छेद हो गए हैं। ये ना एकदम पता नहीं क्या होता है इसमें ओलों में, ये एकदम ख़राब कर देता है सब कुछ। तो ये हाल हो गया है। ये हमारे ताऊ जी जो होली में ढोल लेते हैं ना, वो जा रहे हैं अपना आराम से। कौन कहेगा कि ये ओले हैं भाई, खतरनाक हो गया, खतरनाक। ये देखिए यहाँ पे आते हुए मैं देख रही थी कि यहाँ पे कुछ बोया हुआ था चाचा ने, छोटी छोटी कॉपलें थी वो, और अब वो पूरी दो दिन पहले बोया था, वो सब दब चुकी हैं, तो नुकसान बड़ा हो जाता है लिटरली। यार ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब इतने ओले मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे कि इतने पड़े हों कभी। ये पत्ते देखिए, ये बांज के पत्ते हैं, ऊपर पेड़ हैं। और मतलब एक घंटा, मुश्किल से 1-1.5 घंटा हुआ है, कुछ देर बारिश हुई उसके बाद ओले हुए हैं और ये हाल हो गया है। इसी रास्ते हम नीचे आए थे अभी और रास्ता वॉज एकदम क्लियर। मतलब ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि जो यूट्यूबर वो क्लिकबेट वगैरह यूज़ करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, वैसा ही साउंड कर रहा होगा ये, बट ये लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। और ये सब मुझे ट्रोल कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो ये सब लोग हंस रहे हैं। ये वीडियो पब्लिश होगा ना, सबसे पहले तुम्हें देखोगे। देखो भाई ऐसे हो रहा है। पता क्या, इससे भी हर किसी की अलग अलग राय थी। जैसे कुछ लोगों का क्या कहना था पता है, क्योंकि कल होली की जब शुरुआत हुई तो माता रानी की पूजा करते हैं, पुराने लोग ये सब मानते हैं, और लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवी माता नाराज़ हो गई, क्योंकि इस टाइम पे कॉपले आने का वक्त होता है ना, तो इस टाइम पे ओले पड़ना मतलब फसल बर्बाद होना, जैसे फ्रूट्स के फूल आए हुए हैं पेड़ों में वो ख़राब होना है ना। और कर दे भाई गाड़ी अनलॉक। उसके अलावा क्या होता है कि फूल कितने खिले थे मैं बोल रही थी ना, कि बुराश बहुत खिला है, आज वो भी सारे गिर गए होंगे। और ये हाल है भाई, देखिए इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड यार really। और ये होल्यार सारे जाने लग गए अपने अपने घर, अब कल मिलेंगे सबसे। अच्छा यहीं तक ही हुई है, यहाँ से नीचे नहीं हुई है, यहीं तक हुई है। देखने में तो ये अच्छा है पर नुकसान इससे बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो कि जो खेती करते हैं लोग उनके लिए, हमको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है बट जो खेती करते हैं उनके लिए। क्या हुआ भाई? अरे बैठ जाओ गाड़ी में, पापा कह रहे हैं कि फिसल गए हैं। और यहाँ पे कोई गाड़ी स्लिप हुई है गैस, देखिए ऐसा हाल हो रहा है, दर्द कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं ना कभी भी कहर बरपा सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि लिटरली ओलावृष्टि नहीं, ये बर्फ़ है, और इतनी बर्फ़ पता है आपको काफ़ी लंबे टाइम बाद होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक जब बर्फ़ गिरती रहती है तब इतनी जमती है। आराम से चलाना तो इतनी जमी हुई है ना, दिख रहा है ये नॉर्मली यहाँ पे पानी आता है, आराम से दो।
आराम से। तो ये पानी आता है बट सूखा था अभी क्योंकि आजकल बारिश नहीं होती ना। पीछे पत्थर है, पत्थर है पीछे। वैसे आप ना थोड़ा ऊपर से घुमा के ले जाना ना तो सही रहेगा। देखिए बिना ऐसे पिंकिश जैसे ना शाम को देखिए लाइटिंग कैसी आ रही है, मैंने नॉर्मली इतनी आती नहीं है। कितना तो कैसा कलर आ रहा है देखिए। तूने कभी देखी है ऐसी ओलावृष्टि? इससे ज्यादा हुई थी क्या कभी? क्या हुआ ये मिट्टू जी? अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए ना धर्मगढ़, तो यहाँ बिल्कुल भी ओले नहीं पड़े और लोग हमारी गाड़ी रोक रोक के बर्फ ले रहे हैं, मतलब वो ओले ले रहे हैं। और फिर थोड़ा आ गया अभी थोड़ा दरवाजे में वो इनकी बर्फ हो रही है ये लोग बर्फ से खेल रहे हैं। गजदा हैप्पी होली। ये तो बड़ी अच्छी वाली होली हो गई ना। अरे तुमने हमारे बर्फ तो ले ली, पैसा तो दो इसका। बर्फ का पैसा दो, मार्च में बर्फ दिखा दी तुम्हें हमने। यहाँ लोग शौक देखिए ये क्या है भाई, ये लोग बर्फ कहाँ से लेके आ रहे हैं? बर्फ देखती है ये देखिए, बाहर नहीं पड़ी है लेकिन हम गाड़ी में बर्फ लाए हैं। ये अभी ओले पड़े हैं बट ओलों की तरह पड़े थोड़े थोड़े, पर वहाँ तो भाई कतई गजब ही हो गया। मैंने पहली बार देखा है, आपने पहली बार देखा था क्या ऐसा कभी बताइएगा। अभी हम घर पहुँच गए हैं, चाय पानी पीते हैं। मतलब देखिए हम लोग शूट कर रहे हैं ना अभी, जैसे मैं शूट कर रही हूँ व्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं दिखा पा रही हूँ आपको, खुद भी देख रही हूँ तो लाइक ये भी दिखा रही हूँ कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये सारी चीज़ें कहते हैं, यही तो ग्लोबल वार्मिंग है यार। मतलब लाइक मार्च के महीने में देखिए स्वेटर भी नहीं पहनी है, मैं तो सुबह अच्छे से गई थी, अभी ठंड हो रही है अंदर जाके पहनती हूँ। तो मार्च के महीने में ऐसा होना लाइक अपने आप में मेरे सर से तो परे है, मैंने तो इतने सालों में कभी नहीं देखा इतनी इतने ओले ना। ये ठंडा इलाका है, यहाँ बारिश पड़ती रहती है और ओले भी होते हैं, कभी कभी पड़ते रहते हैं, इस मौसम में पड़ते हैं ओले, बट इतने की बर्फ को क्रॉस कर ले तो ये तो अजीब था। दुगेरते वाइपर खराब हो गए लेकिन वो जम गए हैं उसकी वजह से, खराब नहीं हुए थे, डर तो लगता है भैया। अभी बाय नहीं कहना, मैं तो सुनो आपने देखा कभी ऐसा पहले? मैंने ऐसा पहले बार देखा मिट्टू, मैंने तुमने भी पहले बार देखा। आप बताओ आपने देखे कभी ऐसे ओले, इतने ओले देखे? मैंने बहुत देखे, मैंने ओले भी देखे, गोले भी देखे। सीरियसली बोला ना, मैंने पहली बार देखे, मैं खुद शॉक्ड हूँ उसको देखे। अरे तुमने पहली बार देखे, तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में कितना अंतर है पहले ये बताओ। हाँ वैसे पापा मेरे दादाजी की उम्र के। तुमने सिर्फ ओले देखे, हमने ओले के साथ साथ बड़े बड़े गोले भी देखे। तुमने देखे ऐसे ओले? गोले भी देखे हमने। सीरियसली बताऊंगा हमने क्या क्या नहीं देखा ये पूछो। क्या नहीं देखा? वो बोल। अमेरिका गए हो आप? अमेरिका अभी है टाइम, यहाँ सब मजाक करते हैं। आप मैंने तो बर्फ देखी, हम इन लोगों को क्या पूछते हैं, मजाक में ले रहे हैं। नहीं नहीं एक बाबा जी थे, बाबा जी तपस्या करते थे वो गुफा में। बाबा जी अब थोड़ी कुछ महीनों बाद बाहर आए तो उनसे पूछा गया, बाबा जी तुम कहाँ थे, क्या क्या तुमने वहाँ क्या क्या देखा? तो उन्होंने ये कहा तांबे की धुधु देखी भौंकर, मिट्टी का लूमा देखा, मिट्टी दीवालों में वहाँ गुफा हुई मिट्टी हुई। बिन बादल की वर्षा देखी, बादल नहीं लगे थे, टपक रहा था वो। अच्छा हाँ, पानी हुआ। सात सूरत का राजा देखा। ओके, मतलब सात गुफा में थे वो? सात सूरत का राजा देखा, मतलब वो ये हुआ वो, थोड़ी वहां से खुला था, वहां से जब धूप आएगी रोशनी आएगी। अच्छा। थोड़ी वहां से खुला होगा। ओके। गुफा में जहां से खुला होगा वहां से रोशनी आएगी, मतलब राजा मतलब सूरज और वो सात सूरत का देखा। सात राजाओं का मतलब वो देखा मैंने। सात राजा मतलब इसका मतलब एक भी ये भी हुआ कि जैसे सूरज को राजा ही कहने वाले राजा, सात तरीके सात सूरज देखे एक ये देखा। अच्छा तो ये था भाई, हमने तो आज ओले देखे जो हमने आज तक कभी नहीं देखे। क्या आपने इससे पहले ऐसे ओले देखे बताइएगा जरूर। इस व्लॉग को ये पे एंड करने हैं, ये शूट करने का प्लान नहीं था, अचानक से ऐसा हो गया कि मैंने कहा नहीं भाई इसको तो कर दे। गजब हो गया, गजब हो गया। मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, अभी भी मतलब मुझे लग रहा है कि अजूबा था ये, है ना। इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, इस व्लॉग को तो दो एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं,
और आपसे कल मिलेंगे नए व्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, होली के साथ, होली के साथ। अभी तो होली चली गई, इसलिए हम आप तो गांव में जो है ना ऐसा नहीं होता कि एक दिन की होली, यहाँ पे तो खूब एंजॉय करते हैं। इस बार 5 दिन की होली है, तो हम कल आपको मिलते हैं, नए तरह की होली दिखाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अरे रुको, हमारा ये बाय वाला नहीं होता है, हमारा होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। देखो ऐसे बदला लेंगी हम। यार अभी तो मैं एकदम वो नहीं लग रही, वो नेता जो जीतने के बाद उसको टोपी पहनी होती है और लगाते हैं। अगली बार मुझे जिताना, ठीक है? कल मिलते हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ।